क्या पता कि पैसा कब डाल रहा है अकाउंट में, अब अंशुल से कल मैंने फोन पे बात करी, वो अंशुल कह रहे हैं उससे अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष का मैंने भी मैटर किया है, बोला भैया वो चेक मैंने दी, मैंने चेक खुद एक्सेप्ट कर रहा है, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग हुई है, हालांकि मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, मैंने कोई चेक तूने बेटा क्यों दिए, बेटे करके बात करी, पूछना उसने, बोला भैया जो है ऐसा था कि वो मैंने इनको फोन करा कि वो आए हुए साबिर, मैं उनको फाइल और चेक दे दूँ। क्या नाम आपका? सुमित सक्सेना, मैं ट्रांसपोर्टेशन का अध्यक्ष भी हूँ। बताइए। ऐसा है कि चोलामंडलम कंपनी से हमारी एक ट्रांसपोर्टर जिसका नाम है मतलू, उन्होंने अपनी गाड़ी फाइनेंस कराई, चोलामंडलम ने, ये बात है लॉकडाउन से पहले की, वो फाइल में 5 चेक हमारे, जैसे कि अमूमन हम फाइनेंस कंपनी को दे देते हैं ब्लैंक चेक साइन करके, वो साइन करके चेक दे दिए गए, इसी बीच लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुला तो हमारे ट्रांसपोर्टर ने फोन करा चोलामंडलम को कि हमारे केस का क्या हुआ, तो यहाँ से ये बताया गया, यहाँ पे कोई लड़का है अंतरिक्ष सक्सेना, उसने बताया कि साहब आपकी फाइल वो रिजेक्ट हो गई क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, दोबारा फाइल बनेगी, फिर दोबारा फाइल बनने की नौबत आई तो 5 चेक फिर मांगे गए, तो उसमें हमारे ट्रांसपोर्टर ने कहा कि जो पिछले 5 चेक है वो हमारे वापस कर दीजिए, तो अंतरिक्ष सक्सेना जो यहाँ पे काम करता है लड़का, उसने बताया कि साहब फाइल के साथ जो चेक चले जाती है चेन्नई में वो वापस नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, हमारे ट्रांसपोर्टर ने दोबारा 5 चेक दे दिए, उसका केस हो गया, 8 लाख समथिंग का कोई केस हुआ उसका, और 8 लाख का जिस दिन केस हुआ और जब उसके अकाउंट में जिस दिन 8 लाख का आरटीजीएस हुआ, मजे की बात ये जिस दिन आरटीजीएस होता है उसी दिन 2 चेक जो पहले के थे वो कैश होके पैसे निकल जाते हैं 6,85,000 दूसरे के अकाउंट में। इस विषय में जब कल हमने चोलामंडलम से बात करी तो चोलामंडलम में उसने अंतरिक्ष सक्सेना ने बताया कि हाँ साहब वो 2 चेक मैंने किसी को दे दिए थे, जबकि फाइनेंस कंपनी को ये कोई भी राइट नहीं है कि किसी के भी चेक किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिए जाए, ये गलती वो स्वीकार कर रहा है। अब हमारा कहना यह है चोलामंडलम से कि या तो हमारे ट्रांसपोर्टर के 6,85,000 वापस दिलवाए जाए, हमें नहीं मतलब कि किसके अकाउंट में गए क्या गए, और मजे की बात यह है कि वो चेक जो दिए गए थे पूरी कॉन्स्टेंसी के साथ जो है काम किया गया है, चेक 6 तारीख को डाल दिए गए जबकि आरटीजीएस 8 तारीख को हुआ है, और 6 तारीख को डाले गए और 8 तारीख को जैसे ही पैसा अकाउंट में आता है ट्रांसपोर्टर के तुरंत कट जाता है 6,85,000, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं चोलामंडलम के कर्मचारियों की मिलीभगत प्रतीत होती है। मैं ये नहीं कहता कि कौन किसकी, लेकिन जब नाम आ रहा है तो अंतरिक्ष सक्सेना का ही नाम आ रहा है, क्योंकि चेक वो खुद स्वीकार कर रहा है कि उसने चेक वो दिए हैं, तो जब तक या तो ये पैसा वापस देंगे, अगर पैसा वापस नहीं देंगे चोलामंडलम के खिलाफ जो है ट्रांसपोर्टेशन FIR कराएगी।